रहीम, वी आर गोइंग टू स्टार्ट आर ऑनलाइन क्लासेस. सो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, ओपन योर सोशल स्टडीज़ बुक. ओके, फर्स्ट वी रीड द चैप्टर माय फैमिली. लुक एट दिस. ओके, रीड विद मी एंड सॉल्व विद मी. ओके, आपने अपने मुताबिक इसको सॉल्व करना है. माय नेम इज अली. आपने यहाँ पे लिखना है कि मेरा नाम क्या है, अली. अगर आपका नाम अली है तो आप अली लिखोगे, आपका नाम अक्सा है तो अक्सा लिखोगे, इकरा है, जो भी आपका नाम है आपने यहाँ पर अपना नाम मेंशन करना है. ये आपने अपने मुताबिक करना है. माय नेम इज़ अली, मेरा नाम अली है. आई बिलोंग टू अ रिलीजियस फैमिली, मैं एक मजहबी फैमिली से ताल्लुक़ रखता हूँ. माय फादर नेम इज़ अमजद. अब आपके बाबा का जो भी नाम है आपने यहाँ पर उनका नाम मेंशन करना है. माय मदर्स नेम इज़ सारा. मेरी मामा का नाम क्या है, सारा है. आपने अपनी अम्मी का नाम लिखना है, जो भी उनका नाम है, ठीक है. माय फादर इज़ अ बिजनेस मैन. अब आपके फादर बिजनेस मैन है तो बिजनेस मैन लिखना है. कहीं जॉब करते हैं तो वो लिखना है. प्राइवेट काम करते हैं तो आपने वो लिखना है. डॉक्टर है तो डॉक्टर लिखना है, ठीक है. आई हैव डैश ब्रदर. आई हैव वन ब्रदर. आपके टू ब्रदर हैं तो टू ब्रदर लिखना है. अगर आपका कोई ब्रदर नहीं, आपने लिखना है आई हैव नो ब्रदर्स एंड टू सिस्टर्स. अगर आपकी टू सिस्टर हैं टू लिखना है, और अगर कोई सिस्टर नहीं तो नो सिस्टर्स. ओके, माय ब्रदर नेम इज़ आसिम, माय सिस्टर नेम इज़ सना. इसी तरह आपने यहाँ पर अपने भैया और बहना का नाम लिखना है. लुक एट दिस पिक्चर. ये है फैमिली. ये हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, टॉपिक आर सोसाइटी का पहला टॉपिक माय फैमिली पढ़ रहे हैं, ठीक है. अब इसमें आ जाते हैं अंकल्स की, अंकल की फैमिली के बारे में. आई हैव डैश अंकल. अंकल क्या होते हैं, मामू, चाचू. अब आप यहाँ पे अगर अपने मामू के बारे में लिखोगे तो आपने वो भी अंकल्स होते हैं. तो आप जैसे अगर आप चाचू के बारे में लिख रहे हो, आपके दो चाचू, ताया चाचू हैं, तो आप लिखोगे आई हैव टू अंकल्स. द नेम ऑफ माई फेवरेट अंकल इज़ आमिर. आपने अपने फेवरेट अंकल का नाम लिखना है. आई हैव डैश आंट्स. मेरी इतनी पप्पू हैं या मेरी इतनी खालाएँ हैं, इनमें से किसी एक की फैमिली के बारे में लिखना है आपने. द नेम ऑफ माई फेवरेट आंट इज़ इरम. आपकी अगर आप फेवरेट आंट का नाम अनम है तो अनम लिख लेंगे आप. जो भी है आप लोगों ने ये अपने मुताबिक फिलिंग द ब्लैंक्स को फिल करना है. आई हैव डैश कज़न्स. आई हैव सेवन कज़न्स. द नेम ऑफ माई फेवरेट कज़न इज़ उज़ैर. आपने अपने फेवरेट कज़न का नाम लिखना है, ठीक है. माई ग्रैंड फादर्स नेम इज़ महबूब. आपके ग्रैंड फादर का नाम जो भी आपने यहाँ पे ग्रैंड फादर कौन होते हैं, दादा अबू. माई ग्रैंड मदर्स नेम इज़ फातमा. आपने अपनी अपनी दादों का नाम लिखना है. अब यहाँ पे आ गई हैं एक्टिविटीज़. राइट डाउन द नेम ऑफ योर कज़न्स. आपने यहाँ पे अपने कज़न्स का नाम लिखना है, लाइक हुज़ैफ़ा, साइमा, आयशा, फवाद. ठीक हो गया. अब आप लोगों ने यहाँ पे अपने फेवरेट कज़न का नाम लिखना है. जो जो आपके फेवरेट कज़न्स हैं उनका नाम लिखना है. अच्छा, अब आप लोगों ने क्या करना है, एक स्क्रैप बुक लेनी है और जो जो हम एक्टिविटी स्क्रैप बुक के पे बताती जाएंगे, आप लोगों ने वो स्क्रैप बुक पे छोटे छोटे जो प्रोजेक्ट्स हैं वो करते जाना है, ठीक है. प्रोजेक्ट है हमारा स्टूडेंट टू कलेक्ट पिक्चर ऑफ देयर फैमिली मेम्बर्स एंड पेस्ट them in their scrapbook. अब आप लोगों ने एक scrapbook लेनी है, उस पर आपने अपनी मम्मा, बाबा, बहन, भाई, दादा, दादी जो भी हैं उनकी एक एक छोटी छोटी आपने पिक्चर पेस्ट करनी है. जो बच्चे प्रोजेक्ट या scrapbook पे ये एक्टिविटीज़ करेंगे उनके लिए एक्स्ट्रा मार्क्स हैं, ठीक है. और जो नहीं करेंगे उनके मार्क्स कट होंगे, ठीक है. टीचर शुड गाइड द स्टूडेंट्स टू पेस्ट पिक्चर इन डिफरेंट स्टाइल्स. अगर यहाँ पर अब हम स्कूल में नहीं हैं तो इसलिए अब आपके पेरेंट्स आपको गाइड करेंगे कि आपने डिफरेंट स्टाइल से कोलाज बना के करें या अच्छे तरीके से आप लोगों ने अपनी पिक्चर को पेस्ट करना है. थैंक यू सो मच. आज हमारा पहला लेक्चर हो गया. इंशाल्लाह कल हम लोग दूसरा करेंगे.